हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार आजाद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एसवी ऑर्डर नंबर 25/2022। 2022 का 25वें एसवी ऑर्डर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि 16 दिसंबर 2022 को रिलीज हुआ था और उसका सब्जेक्ट है फ्रीजिंग ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम अकाउंट्स गेट मैच्योर्ड बट नॉट क्लोज आफ्टर 3 ईयर ऑफ मैच्योरिटी। इसका सिंपली मतलब ये है कि जो स्कीम्स के खाते हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस में चल रहे हैं, अगर वो मैच्योर हो गए हैं, यानी कि आरडी का जो खाता है वो 5 साल में मैच्योर हो जाता है, मैच्योर हो गया, लेकिन किसी व्यक्ति ने इसको बंद नहीं करवाया, ना ही इसको एक्सटेंड करवाया है। कब तक नहीं करवाया? 3 साल हो गए उसको ऐसा करते हुए, तब इस खाते को फ्रीज किया जाएगा। अब ऐसे रूल आ गए हैं कि इसको फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी कि खाते मैच्योर हो गए हैं, बंद नहीं करवाए हैं, तो उनको 3 साल बाद फ्रीज कर दिया जाएगा। तो इस संबंध में एसवी ऑर्डर नंबर 25 में बताया हुआ था फ्रीजन का जो रीजन कोड है, कट ऑफ डेट है, स्कीम आइडेंटिफाइड है, इन सभी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो अकाउंट्स 30 सितंबर 2019 तक, कौन कौन से अकाउंट्स? MIS, SCS, TD, KVP, NSC, RD अकाउंट्स मैच्योर हो गए हैं लेकिन क्लोज नहीं हुए हैं, वो फ्रीज कर दिए जाएंगे। क्योंकि इनमें अगर 3 साल को ऐड करेंगे तो इसका मतलब है कि 30 सितंबर 2022, अगर ये मैच्योर हो गए हैं इन स्कीम्स के खाते इस डेट तक और एक्सटेंड भी नहीं करवाए हैं और उनको 3 साल भी कंप्लीट हो गए, तब इनको फ्रीज करने के ऐसे ऑर्डर आ गए हैं। फ्रीज का रीजन कोड, कट ऑफ डेट भी आ गई आपकी, स्कीम कौन कौन सी है वो भी आपकी आ गई। इन स्कीम्स के खाते अगर किसी ने एक्सटेंड करवा दिए हैं मैच्योर होने के बाद में, तब उनको फ्रीज नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर मैच्योर नहीं करवाया, मैच्योर हो गए हैं और एक्सटेंड भी नहीं करवाया है, तब इस स्थिति में उस खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। ऐसे ऑर्डर्स अब आ गए हैं, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। तो सिंपली इस एसवी ऑर्डर में इतना ही था और इस संबंध में जो SOP है वो भी आपको मिल जाएगी और वो भी इसी एसवी ऑर्डर नंबर में है, लेकिन हमारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट था और आप लोग इसी को याद रखें। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड, ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।